विधानसभा चुनाव में इस वक्त जो बिहार की सियासी तस्वीर है वो ये है कि एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ महागठबंधन है, लेकिन बहुत कम ऐसी सीटें हैं जहां निर्दलीय उम्मीदवार गठबंधनों पर भारी पड़ रहे हैं। हम इस वक्त तरारी विधानसभा सीट पर हैं और तरारी विधानसभा सीट में एक निर्दलीय चेहरा जो पहले विधानसभा में रह भी चुके हैं माननीय सदस्य सुनील पांडे जी हैं। सुनील पांडे जी, निर्दलीय की चर्चा कम होती है और आपने जिस दिन फैसला लिया लोक जनशक्ति पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का, मेरी सबसे पहले बातचीत आपसे हुई थी और आपने कहा कि लड़ूंगा चुनाव क्योंकि तरारी की जनता मांग रही है। तरारी की जनता अब क्या कह रही है जब आप घूम रहे हैं? जनता बहुत खुश है और ये जनता ही का निर्णय था और इस बार आपने देखा होगा गठबंधन के दौर में कितना खींचातान हुआ, तो जनता ने ये तय कर लिया कि नहीं, हम किसी दल के साथ नहीं हैं, हम सुनील पांडे के साथ हैं, क्योंकि हम तो चार बार MLA रहे हैं और हमने जो काम किया है जनता को पसंद है और ये 5 वर्ष में यह क्षेत्र बिल्कुल ही पिछड़ गया है और इस बार हमने वादा किया है कि विकास के नए आयाम तक इस क्षेत्र को पहुँचाएँगे। इंस्टीट्यूशनल कॉलेज, ITI कॉलेज, BEd कॉलेज, इन सब चीज़ों की हम स्थापना कराएंगे, अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था हो, अच्छे शिक्षक हों, हर किसी के हाथ में कुछ ना कुछ रोजगार मिले, हर किसी को काम मिले, हर घर की आमदनी बढ़े, इसी पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार जब 2015 का चुनाव था महागठबंधन में नीतीश कुमार थे और हम खुद आए थे इस विधानसभा क्षेत्र में कवर करने, आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, हालांकि उस वक्त पार्टी आपकी थी आपके साथ। 5 साल आप हारने के बाद भी, मतलब आपकी पत्नी जब चुनाव हारी तो भी आप लगातार क्षेत्र में बने रहे। अंतिम दौर में लोक जनशक्ति पार्टी का एडजस्टमेंट नहीं हुआ, आपने फैसला किया कि आप निर्दलीय मैदान में जाएंगे, लेकिन अभी भी लोग यह कह रहे हैं कि सुनील पांडे बाहर निकल के आ गए हैं, आत्मा लोक जनशक्ति पार्टी में ही है। हमारी जनता ने जो तय किया, हमारी आत्मा जनता के बीच में है, जनता के दिलों में है, किसी दल के साथ नहीं, जनता के दिल के साथ हूँ। अगर जनता का जनादेश मिल जाता है तो आगे भविष्य के लिए भी आपने कुछ सोच करके रखा होगा कि आगे क्या करेंगे? हम एक बड़ी आम सभा करेंगे और आम सभा में हम जनता के सामने अपनी मुद्दा रख देंगे और जो भी हमारी मांग पूरा करेगा और जनता जो निर्णय लेगी हम उसके साथ रहेंगे। जो विकास का काम आपने किया विधायक रहते इस विधानसभा क्षेत्र के लिए, अभी हम आपकी जनसभा को सुन रहे थे, आप कह रहे थे कि सब कुछ रुक गया, सब कुछ थम गया। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बिहार में तो हमने विकास कर दिया। नहीं, निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी के रीजन में विकास तो हुआ ही है, मैं तो उनके दल से था, काम तो हमने किया है, सरकार ने काम किया, हम इसकी शिकायत तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन 5 वर्षों में हमारे क्षेत्र का विकास रुक गया और टोटली ठप पर गया, इसलिए अब नए सिरे से हमको फिर से लगना होगा, बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान हो, गरीबों के पक्के मकान बने, सब किसी को राशन मुहैया हो, हर घर तक गली नली का निर्माण हो, चलने के लिए अच्छी सड़क, बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे प्राध्यापक, शिक्षक, ये सब हम काम कराएंगे। सामने माले के उम्मीदवार हैं जो महागठबंधन का, जिनको समर्थन है, महागठबंधन के पाले में वो हैं और दूसरी तरफ BJP के भी हैं और आप जानते हैं उनको कि कौन उम्मीदवार हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे क्या आए हैं, और BJP ने एक संगठन के व्यक्ति को खड़ा किया है, तो चुनौती ज़्यादा किससे मिल रही है, माले से या भारतीय जनता पार्टी से? यहाँ दोनों कोई लड़ाई में है ये नहीं है, भाजपा तो है ये नहीं है, यहाँ लड़ाई कहाँ है किसी से, यहाँ तो जनता चुनाव लड़ रही है, जनता की अपनी पार्टी है सुनील पांडे पार्टी। लेकिन आप चुनाव लड़ रहे हैं तो सामने कोई तो होगा, आपको लगता है? कहीं नहीं, कहीं नहीं, कोई लड़ाई में नहीं है, कोई लड़ाई में नहीं, आप जनता से पूछ लीजिए, है कोई लड़ाई में हो? एक बात आपने कही अभी कि जाति पर जिनको वोट देना हो वो हाथ ना उठाएं, अब जो मतलब जनता से आप जो रिस्पांस लेना चाह रहे थे, रिएक्शन देखना चाह रहे थे, हमने भी देखा, तो आपको ये लगता है कि एक बार फिर बिहार में जो स्थिति है उसमें फिर जात पात और वही 15 साल बनाम 15 साल की चीज़ों की चर्चा हो रही है, तो सुनील पांडे को ये भी डर है क्या कि जाति पाति में चीज़ें बटेंगी तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? जाति पाति में हमारे यहाँ वोट बटेगा ही नहीं, हर वर्ग, हर समुदाय के, हर दल के लोग हमारे साथ हैं और सब लोग जो है हमारे साथ हैं, काम कर रहे हैं, सभी वर्कर, ये तलारी के भविष्य की बात है कि विकास के रास्ते पर चलना है, इसलिए जनता ने तय कर लिया है, कोई पार्टी पवन नहीं। एक अंतिम सवाल, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार आप जनसंपर्क में, हमको भी पता है कि बहुत कम समय बचा है, लेकिन आप जगह जीत के जाते हैं
उन परिस्थितियों में भी आपके लिए ज़रूरी होगा कि आपके क्षेत्र के लोग भी जानना चाहेंगे कि आप किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे। आपने नीतीश जी के साथ काम किया है, चिराग जी के अध्यक्ष रहते काम किया है, रामविलास जी अब नहीं है उनके साथ भी आपने काम किया है, कई लीडरशिप को आपने देखा है। मैं व्यक्तिगत तौर पर सुनील पांडे से पूछ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनको क्या लगता है कौन बिहार को सही दे सकता है? जो हमारी जनता तय करेगी, हमने कहा ना कि हम आम सभा करेंगे और सारी बातें जनता के सामने रख देंगे, और जनता जो तय करेगी, जो जिसकी भी सरकार हो, जो हमारे क्षेत्र के विकास के तरफ हमसे भी दो कदम आगे चलने के लिए रहेगा, हम उसके साथ जाएंगे। सुनील पांडे जो अभी तरारी में हम कोसियार गांव में हैं, यहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है और हम तरारी के इस दूर दराज अंदर के इलाके में आए थे, यहां उनसे बातचीत की हमने, और सुनील पांडे ने ये कहा है कि अगर उनको जनता चुनती है तरारी की तो जनता ही तय करेगी कि वह आखिर किसके साथ जाएंगे और मुख्यमंत्री बिहार का कौन बनेगा। कोसियारी गांव से सहयोगी एजाज के साथ शशिभूषण, फर्स्ट बिहार न्यूज़।